नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन व्यवसाय का। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही चॉकलेटी चॉकलेटी सी रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्राउनी, लेकिन बहुत ही हेल्दी वर्जन में। जो केक लवर्स हैं, जो ब्राउनी लवर्स हैं, या फिर जो चॉकलेट लवर्स हैं, वो अक्सर इन चीज़ों को पसंद होने के बावजूद भी बहुत कम खाते हैं, ताकि उनका वेट पुट ऑन ना हो जाए, या फिर जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। भाई ऐसी भी क्या बात है कि हमें चीज़ पसंद आ रही है और फिर भी हम उसे ना खाएं। तो फिर क्यों ना हम ऐसा करें कि इन चीज़ों को हम अपने अकॉर्डिंगली हेल्दी कर लें। तो आज ऐसी ही ब्राउनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1/4 कप चोको चिप्स, और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 1/4 कप बटर। हम कोई भी केक या ब्राउनी बनाते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप होता है वो ये होता है कि हम जिसमें जितने भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो सारी हम रूम टेम्परेचर पर यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी तो आपका पूरा केक ख़राब हो जाएगा। इसको मैंने हार्डली 10 या 20 सेकंड के लिए बटर को गर्म कर लिया था माइक्रोवेव में, जिससे ये चॉकलेट जो चिप्स थे हमारे अच्छे से मेल्ट हो गए थे। अब हम इसमें डालने वाले हैं एक बहुत ही हेल्दी चीज़, जो कि है हमारा गुड़ की शक्कर। जो शक्कर होती है गुड़ की, वो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, और हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं चीनी पाउडर्स के साथ। जो शुगर पाउडर होता है वो अनहेल्दी होता है, लेकिन जो शक्कर होती है वो बहुत ही हेल्दी होती है। सबसे ज़्यादा डायबिटिक वाले लोग भी इसको खा सकते हैं। तो हमारा पहला इंग्रेडिएंट जो इसमें हेल्दी गया है वो गया है शक्कर, और साथ में हमने इसमें डाला है दही। दही की जो क्वांटिटी है वो है हमारी 1/4 कप, और जो हमने इसमें शक्कर डाला है वो डाला है 2 चम्मच। इसके बाद हमने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। जब तक हम इसे मिक्स कर रहे हैं, साथ के साथ हमने चॉप कर लिए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो ब्राउनी में सबसे अच्छा लगता है वो लगता है अखरोट, और उसके बाद जो अच्छा लगता है वो लगता है बादाम। तो इसमें खूब सारा अखरोट और बादाम चॉप कीजिए और डाल दीजिए। अगर आपके बच्चे लड्डू नहीं खाते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है कि उन्हें केक भी खिलाते जाइए और लड्डू की कमी पूरी करती जाइए, क्योंकि इसमें जितना बटर या फिर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो यहाँ मिल जाएगा। अभी हम इसमें सेकंड ऑप्शन डाल रहे हैं, जो हमारा हेल्दी ऑप्शन है वो है आटा। हम इसे मैदा से नहीं बना रहे, ज़्यादातर ब्राउनी मैदा से बनती हैं, लेकिन हमने इसको रिप्लेस किया है आटे से। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है। तो यहाँ पे हमने आटा डाला है 1/2 कप, और उसके साथ हमने डाला है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और साथ में डाला है हमने 2 चम्मच कोको पाउडर। सारी चीज़ें घर में बहुत आसानी से मिलने वाली हैं, दही, चोको चिप्स। चोको चिप्स ना हो तो आप यहाँ पे कोई भी चॉकलेट 1/4 कप ले सकते हैं। बटर, आटा, सब कुछ हमें घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसमें डाल दीजिए अपनी काफ़ी सारी मेवा जो कि आपने काट के रखी है ना अभी, वो हम इसमें सारी मेवा डाल देंगे। आप इसमें अच्छे से मेवा डाल सकते हैं। जो बच्चे ड्राई फ्रूट खाने में आनाकानी करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप उन्हें इस तरीके से मिक्स करके खिला दीजिए। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हैं। ब्राउनी में सबसे अच्छी बात होती है कि इसका बहुत ही चिकना या फाइन पेस्ट हमें नहीं चाहिए होता है। हमारा ऐसा ही रफली पेस्ट का ब्राउनी बहुत ही अच्छे से बन जाती है। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से एक माइक्रोसेफ बोल में ट्रांसफर कर लिया है, जिसको मैंने बटर से अच्छे से ग्रीस कर लिया था, और उसमें मैंने ब्राउनी का बैटर है वो इसमें मैंने डाल दिया है, और इसे अच्छे से सेट कर दिया है, और ऊपर से अगेन मैंने इसमें डाल दिया है काफ़ी सारे और बादाम। इसके बाद हमने इसमें 1.5 मिनट का टाइमर लगाया है। अगर आप ब्राउनी बना रहे हैं और वो इतने ही इंग्रेडिएंट से बना रहे हैं, मतलब 1/4 के रेशो के हिसाब से बना रहे हैं, जो कि मैंने भी आपको रेशो दिया है, सारी चीज़ें 1/4 हैं, लेकिन जो आटा है वो 1/2 कप सीधा सीधा मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट से बना रहे हैं, तो आपको सिर्फ इसे 1.5 मिनट ही माइक्रो करना है, और 1.5 मिनट में आपकी बहुत ही डिलीशियस सी ब्राउनी बनकर तैयार हो जाती है। आप एक बार सोच के देखिए, 2-3 मिनट लगते हैं इस ब्राउनी को बनाने में, 1.5 मिनट लगता है इसको प्रिपरेशन करने में, और 1.5 मिनट लगता है इसको बनाने में, और ये इतनी टेस्टी सी ब्राउनी बनकर तैयार हो जाती है ना कि बस मज़ा ही आ जाता है इसे खाने में भी और खिलाने में भी। और ब्राउनी को आप इंजॉय कर सकते हैं आइसक्रीम के साथ, हॉट चॉकलेट सॉस के साथ।
मेथड से आप जरूर बनाइएगा, बहुत ही हेल्दी बनेगी। आप आराम से खाइए, जी भर कर खाइए, और जो एक अच्छी सी सेटिस्फेक्शन होती है ना उसके साथ खाइए। लेकिन हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे साथ अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो कल फिर मिलते हैं 11:30 बजे एक नई रेसिपीज के साथ। हमें प्यार देने के लिए, हमें देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।